साहिबा ने जो हेयरिंग की है उसमें ऑर्डर सुनाने से पहले सबके सामने ये कहा कि हम मजबूरन इस जीआईटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक तयशुदा फैसला था जो हमको सुनाया गया। कलीज भाई की कभी जिंदगी में डॉक्टर आसिम से फोन पर बात ही नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम। आज सारी खबरें घूम फिर के कराची से उनका ताल्लुक जुड़ जाता है और सबसे बड़ी इशू जो है उसके अंदर कराची की सिक्योरिटी और कराची का अमन है। मौजूदा हुकूमत ने कराची में आते साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑपरेशन की मंजूरी दी थी, रेंजर्स लेड ऑपरेशन है जिसमें पुलिस को सपोर्ट करेगी रेंजर्स, ये कहा गया था। लेकिन रेंजर्स की पावर्स जो थी, पुलिस पावर्स, वो रेंजर्स को वक्त के साथ साथ तफवीज़ करते गए। FIA को भी एम्पावर किया, ATA को भी अमेंड किया, सारी वो चीज़ें की जिससे कराची में अमन हो जाए। हालात कराची के बहुत बेहतर हुए पिछले एक डेढ़ माह में, दोबारा से सर्च जाए, जिससे रेंजर्स कहते हैं कि अब जो जराइम पेशा अनासर हैं उन्होंने एक नया तरीका वारदात अपनाया। कराची में वारदात करते हैं और रूरल सिंध, देही सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर, जैसे लाड़काना में एक वाकया भी रिसेंटली हुआ, वहाँ छुप जाते हैं या साउथ पंजाब में छुप जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये ऑपरेशन का दायराकार, ये DG रेंजर्स ने हमें बताया कि हमें दायराकार जो है ये अंदरून सिंध में भी ले जाना पड़ेगा ताकि वहाँ पर जो जराइम पेशा अनासर छुपते हैं, जहाँ उनकी पनाहगाहें हैं, उनका खात्मा किया जा सके। आज सुबह एक बहुत अच्छी खबर ये थी कि जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का बेटा, उसकी बाजियाबी हुई, लेकिन बाजियाबी टांग से हुई। कराची पुलिस का ख्याल ये था कि उसको कराची शहर के अंदर ही कहीं छुपाया गया। इसी तरीके से बाज़ वारदातें जिसमें असद खरल का केस सामने आया था, उसमें रेंजर्स का ख्याल ये था कि ये हमें सिंध के देही इलाके जो है उनको टारगेट करना पड़ेगा, लेकिन रेंजर्स के इख्तियारात की मुद्दत सिंध में डिप्लॉयमेंट के हवाले से, खसूस इख्तियारात के हवाले से, वो भी आज ही पूरी हो रही है। सिंध के अंदर आज डॉक्टर आसिम केस, जो इसी अरसे में जो कराची ऑपरेशन चल रहा था उसी अरसे की एक बहुत बड़ी जो मिसाल है, डॉक्टर आसिम केस है। डॉक्टर आसिम केस उस वक्त सामने आया जब रेंजर्स ने करप्शन और टेरर फाइनेंस के लिंकेजेस जो थे वो डेवलप किए। फिर इनके ऊपर ये इल्ज़ाम सामने आया कि यहाँ इनके हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल के अंदर, जराइम पेशा या दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों का इलाज होता रहा और जो फैसिलिटेटर्स थे जिनके कहने के ऊपर इलाज होता रहा उसके ऊपर इल्ज़ाम था, वसीम अख्तर साहब के ऊपर, अनीस कायम खानी के ऊपर, उसके ऊपर इल्ज़ाम था रौफ सिद्दीकी के ऊपर, और ये सारे लोगों को आज अहाता अदालत के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया। नई एग्जांपल सेट हुई आज उस दिन 19 जुलाई को, जिस दिन रेंजर्स के इख्तियार भी ख़त्म होने हैं। चीफ जस्टिस का बेटे को आर्मी ने बाजियाब कराया टांग से अंदर, फ़ौज की वहाँ रखना है, अभी रेंजर्स को इख्तियार में तोसी देनी है या नहीं देनी, ये चीफ मिनिस्टर सिंध कहते हैं कि अपनी आला क़यादत से पूछ के फैसला करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि नहीं, हमने जो ऑपरेशनल गेंस किए उनको कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो रोज़ाना की तरह आज भी एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है सिंध के अंदर जिसको मैनेज करने की कोशिश, फायर फाइटिंग की कोशिश हो रही है कि आला क़यादत मान जाए, जरदारी साहब हाँ कर दें। जरदारी साहब तब हाँ करेंगे जब उनको यकीन हो जाए कि उनके वज़रा जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, मुख्तलिफ इल्ज़ाम में किसी का नाम ECL में डला हुआ है, कोई पाकिस्तान से बाहर है, किसी ने प्री अरेस्ट बेल कराई हुई है। खुद जरदारी साहब की सियासत ईंट से ईंट बयान देने के वाले वाक़े के बाद से वो पाकिस्तान से बाहर हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस कराची वाली सियासत के साथ आज जुड़ी हुई हैं जिसका फ़ैसला होना है। उम्मीद है आज ही रात गए किसी वक्त ये फ़ैसला कर लिया जाएगा। दूसरा अहम इशू इस वक्त अपोजिशन जमातों का इजलास जारी है इस्लामाबाद में, जिसके अंदर वो ये तय करेंगे कि उन्होंने हुकूमत के साथ क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना है। हुकूमत उन्हें स्पेस नहीं दे रही पनामा पेपर्स के मामले के ऊपर, तहकीकात के हवाले से सिंगल स्टेप फॉरवर्ड जिसे कहें ना, सिंगल स्टेप फॉरवर्ड है ही नहीं है। FBR नोटिस दे सकता था अभी तक, FIA तहकीक कर सकती थी, कोई रिपोर्ट सबमिट पार्लियामेंट में हो सकती थी, कुछ भी नहीं हुआ। जिन इदारों की ड्यूटी थी, नैब की ड्यूटी थी, कुछ नहीं किया उसने। स्टेट बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग को बताना था, नहीं बताया उसने। तो अब अपोजिशन क्या रास्ता इख्तियार करेगी, जिसके ऊपर PTI वाले तो खुलेआम कहते हैं कि हम सड़कों पर निकलेंगे, बाकी अपोजिशन आते हैं क्या उसका साथ देंगी या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगी। कल हामिद खान साहब हमारे पास थे और एक राय ये भी थी प्रोग्राम के अंदर कि 1843 उसके तहत सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाए कि वो जो FBR और बाकी इदारे हैं उनको हुक्म सादर करें कि वो बताएं कितने लोग इसमें से टैक्स चोर हैं, कितने हैं जो पाकिस्तान का पैसा चुरा के लेके गए। तो ये दोनों प्रोग्राम के अंदर आज टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, तर्जमान हैं वज़ीर आज़म के, खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। कराची से हमारे साथ शामिल होंगे मौला बख्श चांडियो और आसिफ हुसनैन साहब, इसके अलावा अनवर मंसूर साहब हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में, और रज़ा हारून साहब जो हैं पाक सरजमीन पार्टी से, वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। रज़ा हारून साहब, आप ही से आगाज़ करूँगा, आपकी जमात के जो दो लीडिंग फिगर्स थे उनमें से एक तो मुस्तफ़ा कमाल वो हैं ही, लेकिन दूसरे अनीस कायम खानी, जिनको कहा जाता था कि तमाम इंतजामी अमूर पहले MQM के चलाते थे, अब PSP के ये चलाएंगे, आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया, आपका रद्द अमल? नदीम भाई, एक तो देखें ये गिरफ्तार करने वाली बात जो है ना वो ऐसी नहीं है कि कोई वो रूपोश थे या कानून
قانون کو اس طرح سے مطلوب تھے, عدالت میں پیش ہو رہے تھے جب سے پاکستان آئے ہیں. جو یہ کیس ہے جس کیس کو سر پیر کا نہیں پتا, اس کیس میں مطلوب تھے, اس میں عدالت میں پیش ہو رہے تھے, ضمانت پر تھے. آج بھی ضمانت کی ایکسٹینشن کے لیے اور اس کی تاریخ پہ آج وہاں گئے ہوئے تھے. جج صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے صاحبہ نے, اور اس فیصلے کے بعد پاک سے زمین پارٹی جو ہے اپنے وکلا کے ذریعے جو ہے نیکسٹ لیگل ریمیڈی جو ہے اس کے لیے ہائی کورٹ میں اپنے جو بھی ہمارا کیس ہے اس کو لے کے. تو عدالت کا فیصلہ جو ہے اس کو آپ ویلکم کرتے ہیں یا اس کی مذمت کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں پارٹی کا رد عمل؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ پورا کا پورا کیس جو ہے پھر اس کیس کو لے کر کے جو ہے جس طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں وہ کوئی ایسے خوش آئند بات ہے. جب میرا اپنا ہی ماننا ہے کہ جب ملزمان عدالت میں پیش ہو رہے ہوں, آپ کہتے ہیں کہ خوش آئند طریقہ کار اور کیس کو ریزولوشن, رضا ہارون صاحب خوش آئند طریقہ کار؟ نہیں, میں خوش آئند نہیں کہہ رہا, خوش آئند نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب لوگ عدالت میں پیش ہو رہے ہوں, کیس جس طریقے سے چل رہا ہے اس کے اوپر آپ کامنٹ کر رہے تھے. دیکھیں, کیس ہے ڈاکٹر عاصم کا, اور الزام یہ ہے کہ وہاں دہشت گردوں کا علاج ہوا, اور ان لوگوں کے اوپر وسیم اختر سمیت جو کراچی کے نامزد میئر بھی ہیں ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے کہا ڈاکٹر عاصم کو کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو جو پولیس سے شوٹ آؤٹ وغیرہ سے زخمی ہو کر آتے تھے یا رینجر سے, ان کو وہاں پناہ دی جائے یا علاج کیا جائے, یہ الزام ہے نا؟ یعنی اس قائم خانی کے اوپر بھی یہ الزام ہے. میں سبجیکٹ میٹر کی بات نہیں کر رہا, وہ تو جج صاحب نے ہی فیصلہ کرنا ہے, عدالت نے ہی فیصلے کرنے, اور تو امید ہے کہ عدالت سے انصاف ملے گا, جو بے قصور ہیں ان کو رہائی ملے گی. میں تو دوسری بات کر رہا ہوں, کیس صحیح ہے یا کیس غلط ہے؟ سن لیں سر آپ, نہیں وہ میرا کام نہیں ہے فیصلہ کرنا. میں سمجھتا ہوں انیس قائم خانی صاحب اس میں بے قصور ہیں, فرام ڈے ون بے قصور ہیں, انہوں نے یہ بات لکھ کے بھی دی, اور عدالت میں اسی لیے پیش ہو رہے ہیں کہ اپنی بے قصوری اور بے گناہی کو ثابت کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لیگل ریمیڈی جو کورٹ کو دینی چاہیے تھی, اگر وہ لیگل ریمیڈی وٹنسز کو یا اکیوز کو اگر وہ آفر نہیں کرے تو یہ کوشچن ہو جائے گا جوڈیشری کے اوپر. تو لیگل ریمیڈی کیوں نہیں دی انہوں نے؟ کیا وجہ ہوئی؟ انیس قائم خانی سے کسی کی ذاتی دشمنی تھی, کیا ہوا؟ مجھے نہیں معلوم سر, آئی کین ناٹ, میں کسی کے دماغ میں نہیں بیٹھا. جے آئی ٹی جو تھی, اس جے آئی ٹی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر آج اسے قبول کرتے ہوئے انہوں نے ضمانتیں کینسل کی. نئی اگزامپل سیٹ ہوئی ہے, آج کافی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کراچی کے حوالے سے. ایم کیو ایم کی بھی ٹاپ ٹیئر جو ہے وہ بھی زیر حراست چلی گئی, نامزد میئر بھی اندر ہو گئے, اور آپ کی جماعت کے جو ایک کی فگر تھے وہ بھی زیر حراست چلے گئے. کراچی کی سیاست بدل گئی. دو چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ندیم, میں تو بڑا کیئرفلی ورڈ یوز کروں گا کہ اندر ہو گئے اور باہر ہو گئے. اندر ہو گئے تو ایک عادی مجرم کے لیے استعمال ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ سیاسی لوگ ہیں, انیس قائم خانی صاحب نے پہلے دن سے اپنی بے گناہی کا کیس سامنے رکھا ہے. سر ہوئے تو اندر ہی ہے نا, ذوالفقار علی بھٹو کو بھی, چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے پکڑ کے ہتھکڑیاں لگا کر نواز شریف صاحب کو بھی اندر ہی کر دیا تھا نا, جنرل پرویز مشرف نے اور جنرل ضیاء نے, تو وہ تھے تو وزیر اعظم پاکستان منتخب لوگ تھے. تو یہاں تو الزام اور طرح کا ہے, یہاں تو الزام یہ ہے کہ دہشت گردوں کی, الزام کی نوعیت دیکھیں, الزام کی نوعیت بڑی سخت ہے. الزام یہ ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کا علاج کروایا ڈاکٹر عاصم سے. ڈاکٹر عاصم کو آپ نے پکڑا کیوں ہوا جی؟ چھ مہینے سال سے اندر کیوں بند کیا ہوا ہے؟ اسی بات سے تو الزام کے اوپر بند کیا ہوا ہے. ندیم بھائی, جو بات میں اور آپ اتنی آسانی سے کر رہے ہیں نا, کاش اس بات کو جج صاحب سمجھے نا, اور جج صاحب کریں نا یہ بات. میرے اور آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. میں اور آپ 30 منٹ کا پروگرام کریں گے, اس کے بعد گھر چلے جائیں گے. مقدمہ میں نے آپ نے نہیں لڑنا, مقدمے کا فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا. مقدمہ کا فیصلہ ایشو تو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, ایشو تو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر جج صاحب کو کوئی اعتراض نہیں. آپ کے ندیم بھائی, آپ کے اور میرے کہنے سے جج نے چلنا نہیں نا, اس کو چلنا چاہیے بھی نہیں. تو ہم بے شک جتنا ہائی لائٹ کر لیں, کامنٹ کر لیں. اچھا, ایک وسیم اختر صاحب کا آج کامنٹ تھا, اس کے اوپر تو آپ رد عمل دے دیں. وسیم اختر صاحب نے سفید کپڑوں میں لوگ ملبوس تھے, اور وہ گن پوائنٹ کے اوپر عدالت نے یہ سارا فیصلہ کیا, کیسے ہوا؟ میں تو ندیم ہے شاید آپ کے وہ پروڈیوسر یا کوآرڈینیٹر بتائیں, میں پشاور میں موجود ہوں اس وقت, اپنی پارٹی کے تنظیمی کام کے سلسلے پشاور آیا ہوں. انہوں نے ریکویسٹ کی, میں نے کر دی. میں نہ عدالت میں موجود تھا, نہ میں پریوی ہوں اس انفارمیشن کے, نہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے جواب دہی اور اس کے ذمہ دار وہ خود ہی ہوں گے. رضا ہارون صاحب خوش رہیے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بس نین صاحب جو ہیں ان سے بھی رد عمل لے لیں ڈاکٹر مصدق صاحب, پھر ہم پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. آصف حسنین صاحب, ایم کیو ایم کا رد عمل. ندیم بھائی, اس میں دو حصے ہیں. پہلا حصہ جو آپ کے سوال کا ہے وہ یقینی طور پر سب جوڈے سے, اس لیے کہ کورٹ کا یہ فیصلہ ہے, میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کروں گا. لیکن جو اس کا دوسرا حصہ ہے, آپ کے بھی علم ہے کہ گزشتہ کئی عرصے سے ایم کیو ایم جو ہے وہ زد میں ہے ان تمام معاملات کے, اور آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اور اب تک بھی کہ یہ جو الزام ہے, تو دیکھیں جی, کوئی جو الزام ہوتا ہے اس الزام کو, بالکل صحیح بات ہے, کوئی آدمی اگر فیس کر رہا ہے عدالت میں تو عدالت کو ریمیڈی دینی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ ضمانتوں پہ تھے اور فیس کر رہے تھے تو انہوں نے کوئی وائلیشن نہیں کی تھی, لیکن صرف ایک ایسے الزام کی بنیاد پر کہ جہاں پر
अभी तक ये भी नहीं पता कि वो जो इलाज हो रहा था वो किसका इलाज हो रहा था, उसके कोई एविडेंस नहीं है, उसकी कोई चीज़ भी सामने नहीं है। और फिर क्या वो जो मतलूब लोग थे उनके आसिफ हुसैन साहब नाम बताए गए हैं कि वो दहशतगर्द कौन कौन से थे जिनका जियाउद्दीन हॉस्पिटल में इलाज हुआ, उनकी कोई फहरिस्त है अदालत के अंदर? देखिए मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि अभी ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं, अभी तमाम चीज़ें जो है वो आनी हैं, अदालत के सामने जानी हैं और उसकी बुनियाद पर फैसले होने। लेकिन आखिर वो कौन सी वजूहत है? आसिफ साहब, जो आसिफ साहब जो जीआईटी रिपोर्ट थी उसको मंजूर करते हुए अदालत ने हुक्म जारी किया है ना, तो जीआईटी के अंदर तो इसकी तफसील शामिल होगी। नदीम भाई, जीआईटी रिपोर्ट ख्वाब सोलत मिर्जा की हो, बल्दिया टाउन की हो, दीगर जीआईटी रिपोर्ट, अब उनके सारी चीज़ें आपके सामने हैं। पीपीए का कानून जो के पास किया गया, उसके 90% जो इस बार विक्टम है वो एमक्यूएम है, जिसके को 90-90 दिन के लिए पकड़ा जा रहा है। इस वक्त हज़ारों कारकुनान जो एमक्यूएम के पकड़े जा रहे हैं, मुझे बताएं किस जमात के साथ ऐसा हो रहा है। ये वो सारी चीज़ें जो वाजे कर रही हैं, और अब जिस तरह से इसका दायरेकार बढ़ रहा है और इस तरीके से एमक्यूएम के कई लोगों के ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, मुंतखब नुमाइंदों पे केसेस बनाए जा रहे हैं, और आज तो नीस कायम खानी भी साथ है ना, जहां वसीम अख्तर हैं साथ, नीस कायम खानी भी साथ है, जिनके ऊपर इल्जाम यही था कि इनकी जमात में एस्टैब्लिशमेंट बनवा रही है। आप साथ रहिए आसिफ साहब, लेकिन मैं पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपने पोपा का नाम लिया, पोपा लीगली एक्सपायर हो चुका, अपनी मुद्दत पूरी कर चुका, अब उसके ऊपर हुकूमत की पोजीशन क्या है? आपने उसको एक्सटेंड करना है थ्रू ऑर्डिनेंस, क्योंकि आपका जितना ऑपरेशन चल रहा है, अगर सिक्योरिटी वालों के हाथों कोई मारा जाता है तो पोपा उसको प्रोटेक्शन दे रहा था, अब वो प्रोटेक्शन दस्तियाब नहीं है, काला कानून है वैसे, वो आपने मुश्किल हालात के लिए बनाया था, मुझे मालूम नहीं है कि उसको आगे एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हुकूमत की पोजीशन क्या है इसके ऊपर? मेरा ख्याल है कि ये तो तमाम पार्टीज़ की मुशावरत से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, मेरा ज़ाती ये ख्याल है। मुझे हतमी फैसला तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे कभी यकीन है कि इसको तमाम पार्टीज़ के साथ मुशावरत, लेकिन उसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्योंकि जितनी पावर्स आपने पहले दी हुई हैं, आपने लोगों के लिए बंदूक चलाने की इतनी आज़ादी नहीं होनी चाहिए, कुछ कुछ प्रतीत होनी चाहिए। पोपा के अंदर ब्लैंकेट इम्यूनिटी थी, चले मुश्किल हालात थे मान लिया, अब उतने मुश्किल नहीं है, अब ज़रबियाज के बाद काफ़ी बेहतर है। आप बजाय इरशाद फरमा रहे हैं, इसी वजह से मैंने कहा कि मुशावरत से फैसला किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल मरहले से गुजर रहा है, और थोड़ी देर के लिए तब भी ये बहुत डिस्कशन हुई, आपके प्रोग्राम के अंदर भी हुई थी, मगर आपने देखा कि उसके काफ़ी फ़ायदे हमारे सामने आए हैं पिछले एक साल में, तब भी हमने यही डिस्कशन की थी और बात यहीं तक पहुंची थी कि बड़े स्पेशल सर्कमस्टांसेज हैं जिसकी वजह से ये स्पेशल कानून जो है। और रेंजर्स के ऊपर क्या करेंगे, उसकी मुद्दत भी आज 19 जुलाई। मेरा तो ख्याल है कि सिंध की हुकूमत जो है वो रेंजर को दावत देगी, उसने पहले भी दावत दी है और उसी दावत की मुताबिकत से रेंजर्स जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं। आखिरी तारीख को हम मुद्दत खत्म होने के बाद दरख्वास्त कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब अपने इख्तियार इस्तेमाल करें। आपने पहले भी एक दो मरतबा देखा है कि ऐसा हुआ है, ये आखिरी वक्त चलता है पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे, आखिरी वक्त तक ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आपने देखा कि अभी तक रेंजर्स का जो प्रोग्राम है जो कराची में चल रहा है, वो तमाम तर मुखालफत के बावजूद सब पार्टियां जो हैं उसको सपोर्ट करती हैं। आज भी अगर आप देख लें तो तमाम पार्टीज़ जो हैं, जो पहले एक बात की जा रही थी कि शायद सिर्फ एमक्यूएम को या सिर्फ पीपल्स पार्टी को, जब आपको याद है लियारी में ये शुरू हुआ तो कहा गया कि सिर्फ पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, फिर जब एमक्यूएम के वो दफ्तर के पास ऑपरेशन हुआ तो कहा गया कि सिर्फ एमक्यूएम को टारगेट बनाया जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसके अंदर एक न्यूट्रैलिटी है और उसकी वजह से कराची के अंदर जो हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। तो मौला बख्श चांडियो साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं सिंध हुकूमत क्या कर रही है। चांडियो साहब, आपको भी वेलकम करूंगा प्रोग्राम में, पहले तो गिरफ्तारियों के ऊपर बता दीजिए, कराची पुलिस ने गिरफ्तार किया, सिंध हुकूमत ने बेसिकली इसके ऊपर एक पोजीशन लिया है कि उस जीआईटी रिपोर्ट के ऊपर आज गिरफ्तारी डाल दी जाए, तो ये गिरफ्तारी बहुत ज़रूरत थी इस वक्त की कि ये लोग बहुत मतलूब थे, इंतहा पसंद जो दहशत गर्द थे उनको इलाज करवाने में या सहूलत देने में। अब इस वक्त इसकी गिरफ्तारी की जरूरत थी या नहीं थी ये तो सियासी सवाल है, अदालत बेहतर समझती है कि वो अपने अहकाम पे किस वक्त अमल कराए या किस वक्त कोई फैसला करे, तो मेरे ख्याल में अदालत के तहत हुआ है, अब उस पर तस्बरा मैं तो नहीं कर सकता। अब चांडियो साहब, लेकिन जीआईटी के अंदर क्या तजवीज किया गया था कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए? जीआईटी में एतराफात होते हैं, जीआईटी में बयानात होते हैं,
CIT में तो पुलिस नहीं कहेगी किसको पकड़ा जाए, सिर्फ वो तहकीकात करती है, तहकीकाती रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो अदालत देखती है, अदालत के सामने आती है, अदालत ही अपने उनका जवाब दीदी अख्तियार है कि वो उस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या उस पर फैसला लेते हैं। तो GIT बड़े अरसे से चल रही थी और वो हो गया, अब अदालत के सामने बेल पे थे, यकीनन अदालत ने जो कुछ फैसला किया होगा अपने सोच के मुताबिक कानून के मुताबिक किया होगा, अब उसमें मैं क्या कह सकता हूँ आप बताए। चांडियो साहब, मुझे वैसे उस फैसले के ऊपर इतराज़ है, पता नहीं मैं वो तुहीन अदालत का मुर्तकिब ना कहीं हो जाऊं, लेकिन आप जब किसी बड़ी सियासी शख्सियत को गिरफ्तार करते हैं, वसीम अख्तर नामजद मेयर थे, अनीस कायम खानी काफ़ी मुतनाज़ शख्सियत हैं, उनके ऊपर बहुत से इल्ज़ाम MQM के दौर से मौजूद हैं, कोई नई बात नहीं है, रऊफ सदीकी साहब पुराने मिनिस्टर हैं, लेकिन अनीस कायम खानी भी इस वक्त एक PSP जमात के की लीडर है, सेकेंड फिगर उसकी कह सकते हैं आप। इन लोगों को जब आप गिरफ्तार करते हैं तो एक बड़ी डेफिनेट रीज़न होनी चाहिए जिसके तहत आपको गिरफ्तार करना पड़े। अगर कोई ऐसा बड़ा दहशतगर्द था जिसको इलाज करवाया, जिसका नाम आप जानते हो, तो मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि कौन से दहशतगर्द थे जिनका इलाज। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, इतने बड़े बड़े लोग अगर आएंगे तो एक सोच तो पैदा होगी, लेकिन ये मामला किसी फर्द ने नहीं किया, किसी वजीर ने नहीं किया, कोर्ट ने फैसला लिया है। अब हमारे सामने तो मिसाल है नदीम साहब, हम तो बोल नहीं सकते, हम तो उनको बस फरमान बरदारी करते हैं, हम अपने आप को कानून का मुहाफिज, कानून का पैरोकार बनाते हैं। जुल्फकारी भुट्टो भी प्राइम मिनिस्टर थे, रात को निकाल के ले गए, जिस जिंदगी में उनको रखा वो आपको खुद बताए। बेगम रसूद भुट्टो खातून ने अवल थी, उसको किस कैसे अंदाज से लाहौर में लाठियां मार के जख्मी किया गया, वो भी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी बेनजीर भुट्टो साहब। लेकिन चांडू साहब, इसको आप जुल्फकार अली भुट्टो के वाकये से आप जोड़ेंगे तो मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा। जुल्फकार अली भुट्टो की हैंगिंग में जनरल जियाउल हक मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, उन्होंने जोर जबरदस्ती करके जुल्फकार अली भुट्टो के साथ ज्यादती की, क्या अभी इसके अंदर फौज का अमल दखल था, रेंजर्स का अमल दखल था, या उस अदालत के जज ने GIT की बुनियाद पर फैसला किया, क्या चीज थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अब आप इसको जरा मिला दिया, पहले आपने फरमाया कि जब VIP इतने बड़े लोग जाएंगे तो टेंशन हो, तब मैंने कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है, जनरल ज़िया का भले नाम हो लेकिन कस्टडी अदालत की थी, हम कह समझते कि उस अदालत ने कहा माना है ज़िया उल हक़ का, लेकिन कंट्रोल तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का, लाहौर हाई कोर्ट का, दुनिया तो उनको भी मुजरिम करार देती है, लेकिन क्योंकि फैसला था कोर्ट का, हमने कोई उसमें शोर शराबा नहीं किया, सजा के बाद एहतजाज हुआ। लेकिन इस मामले में मैं नहीं समझता कि रेंजर का प्रेशर है, सिंध हुकूमत का, बिल्कुल नहीं, अदालत ने अपने तौर पर फैसला किया है, अब जो अदालती तरीकेकार है उसके मुताबिक वो उनसे रिलीफ ले, उसमें कोई कबात नहीं है मेरा ख्याल है। मुझे अगर आसिफ हुसैन साहब, अगर आप में से कोई GIT के कंटेंट से वाकिफ हो, क्योंकि मैं GIT के जो इन लोगों के इन असहाब के मुतल्लिक GIT ने रिकमेंडेशन दी उससे वाकिफ नहीं हूँ, क्या कोई ऐसी चीज़ है GIT के अंदर जो ये कहती हो कि बड़े बहुत बड़े मुजरिम थे जिनकी ये सरपरस्ती करते रहे या जिनका इलाज करवाते रहे, वसीम अख्तर हों या दूसरे अनीस कायम खानी हों, कोई भी हों, दोनों शख्स बड़े लोग हैं सियासी एतबार से कराची की। मैं तो आपको जी नदीम साहब, मैं तो आपको एक बात और भी याद दिला दूं कि डॉक्टर आसिम की GIT के बाद खुद डॉक्टर आसिम का स्टेटमेंट है कि जिसमें उन्होंने वाजे कर दिया था कि इस किस्म की कोई चीज़ें नहीं हैं, और ये बयान मुझसे जो है वो ज़बरदस्ती और जबरन लिया गया है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो जब उन्होंने ये बयान दे दिया अदालत में आके, तो उसके बाद उस GIT की हैसियत क्या है? और फिर अगर उस GIT में आपको भी पता है कि किसी इदारे के आगे आप समेत या मुझे बिठा दिया जाए, तो अगले 5 मिनट 10 मिनट बहुत होते हैं कि हम जो चाहें वो स्टेटमेंट वहाँ पे दे दें। लेकिन अदालत में डॉक्टर आसिम के इस क्लियरेंस के बाद मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ थी, और अगर थी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। बिल्कुल आपने सही कहा, GIT में कोई ऐसी चीज़ वाजे नहीं है, और उसमें ये तक वाजे नहीं है कि आया जो जिन लोगों का इलाज वहाँ कराया गया था वो उनका ताल्लुक किससे था। यहाँ तो ये सूरत हाल भी सामने आई कि एक दफ़ा इमरान खान साहब ने ये कहा कि मेरे अपने हॉस्पिटल में तालिबान का इलाज कराया गया है, तो उस सूरत हाल पे तो आज तक किसी ने इमरान ने उस चीज को वाज़े कर दिया था। स्टैंड नहीं लिया, ने एक फॉलो अप इंटरव्यू में नाम लिया कि वो उस वक्त वो मुल्ला रुबानी जो फॉर्मर अफगान प्रेसिडेंट थे वो उनके जेरे इलाज रहे, और
इस चीज़ से, इस टॉपिक से आगे चलते हैं क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल इशू जो है मैं दूसरी तरफ नहीं ले जाऊंगा, पहले इसी पे फोकस रखूंगा। जस्टिस शाह कुस्मानी हमारे साथ हैं। जस्टिस शाह कुस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल। JIT की बुनियाद के ऊपर क्या बड़े बड़े सियासी शख्सियात को पकड़ना हो, अगर जुर्म में मुलव्वस हो तो यकीनन पकड़ना चाहिए, कोई उसमें मज़ायका नहीं है, लेकिन क्या ऐसी क्लियर एविडेंस थी कि जिसके ऊपर आज फौरी तौर पर ताले लगवाए गए अदालत को और कहा कि कमरा अदालत में पकड़ लें, निकलने ना पाए इनमें से कोई? की बात यह है कि जो चार्ज लगाया गया है कि अस्पताल में इलाज करवाया गया है, तो ये आप में सारी दुनिया जानती है कि डॉक्टर्स एक अंडर ओथ होते हैं कि वो हर एक का इलाज करते हैं, चाहे वो कातिल हो, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे जो कुछ भी हो। तो चार्ज जो उन पे है वो एसेंशियली देखा जाए तो ये है कि जब उन्होंने इलाज किया टेररिस्ट का, तो उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं की? वरना इलाज करना इटसेल्फ नहीं है, तो रिपोर्ट क्यों नहीं की? तो ये एक ऐसा चार्ज नहीं था जिसके बेसिस पर कि आप उनको डिनाई कर दें, बेल भी डिनाई कर दें। ठीक है, आप उनके खिलाफ केस चलाएं और केस चलाने के बाद अगर कुछ बाद में शहादतें आती हैं तो आप यकीनन सजा दें उनको, लेकिन ये नहीं कि आप उनको उनकी बेल भी कैंसिल कर दें। मेरे ख्याल में ये सही फैसला नहीं था। तो लेकिन ये जज साहब जो है, जस्टिस शाह उस्मानी साहब, आप इस पे बेहतर राय दे सकते हैं, बाकी सियासी लोग हैं थोड़ा झिझक रहे हैं। जज के लिए भी तो डूज एंड डोंट्स होते हैं, कुछ रेड लाइंस होती हैं। आज सिर्फ डॉक्टर आसिम की बेल डिनाई नहीं हो रही है ना, डॉक्टर आसिम के साथ नामजद मेयर है वो, उसकी भी बेल हो गई कैंसिल, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। जो कायम खानी है वो PSP जमात के दो बड़े जो लीडरान हैं उनमें से एक हैं, वो भी पकड़े गए, रऊफ सिद्दीकी की गिरफ्तारी है। ये चीज़ें अगर उसके पास वाजे स्ट्रॉन्ग एविडेंस, लीगली एक्सेप्टेबल ऐसी चीज़ नहीं थी जो सब्सटेंशिएट करती हो इस चीज़ को कि वहाँ नॉन टेररिस्ट जो थे वो पकड़ के रखे हुए थे, छुपाए हुए थे, तो फिर उनको आज बेल डिनाई करनी चाहिए थी? नहीं, मेरी नज़र में तो ये फैसला सही नहीं है। नहीं है, और बेल नहीं डिनाई करनी चाहिए थी, चाहे यकीन आप केस चलाएं उन पर, लेकिन बेल डिनाई करना किसी की जो आज़ादी को इस तरह से ख़त्म कर देना, ये तो मेरे ख्याल में सही नहीं है। और मेरे ख्याल में जब ये अगर अपील में जाते हैं ये लोग इवेंचुअली, तो यकीनन इनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। मैं एक ब्रेक ले लूं जी, ब्रेक दोबारा आते हैं, रेंजर्स पावर के ऊपर भी आते हैं, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा बात करें। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। कराची में 3 साल के अंदर अमन अमान में बहुत बेहतरी आई है, इसमें दो राय है ही नहीं कि रेंजर्स को जब स्पेशल पावर्स मिली तो मौजूदा जो रेंजर्स के DG हैं वो भी, और जो इससे पहले वाले DG थे जो अब ISI को हेड कर रहे हैं वो भी, इन दोनों की कंट्रीब्यूशन कराची शहर के अमन को बहाल करने में, और सिंध हुकूमत का तावुन साथ रहा, कभी अड़ते रहे कि नहीं पावर्स एक्सटेंड करेंगे लेकिन फिर करते रहे, उससे कराची में जो किडनैपिंग फॉर रैंसम थी और पॉलिटिकल टारगेट किलिंग थी वो तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है। पिछले 1.5 माह में दोबारा अपसर्ज आई है और उसकी रीजंस होंगी, हम दोबारा पूछेंगे सिंध हुकूमत से कि वो रीजंस क्या हैं, लेकिन आज 19 जुलाई रेंजर्स के इख्तियारात के ख़त्म होने का दिन है। तो आपसे मैं चांडियो साहब दोबारा स्टार्ट करना चाहूँगा, पहले तो इसी चीज़ की वजाहत कर दीजिए कि रेंजर्स के इख्तियारात को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है या पुलिस के जरिए कराची शहर को चलाना चाहेंगे, एक वाजे डायरेक्शन हमें मिलनी चाहिए कि आप एक्सटेंड कर रहे हैं या पुलिस से इंतजाम चलाएंगे, सिंध हुकूमत की सवाबदीद है जो भी चाहे फैसला कर सकती। जब भी उनके पावर का नए सिरे से तस्दीद करने का दिन आता है तो उससे चंद दिन पहले खास किस्म की एक फिजा बन जाती या बनाई जाती है कि देंगे नहीं देंगे देंगे, बिलाकर वो पावर उनको मिल जाते हैं। लेकिन जिन दिनों में पावर नहीं भी होता कहा जाता है कि नहीं है, उन दिनों में भी उनकी सरगर्मियां तो जारी रहती है क्योंकि वो इंतजाम है इस किस्म का कि अगर एक दिन या दो दिन की कोई डिले हो जाती है तो भी उसमें कोई इतनी बड़ी खिलाल नहीं आ जाती, वो पावर उनके होते हैं, वो पावर इस्तेमाल करते हैं। जहां तक ताल्लुक है सिंध हुकूमत के इत्मीनान का, तो मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत के तमाम जिम्मेदारान बशमूल CM साहब के, मैं तकरीबन मीडिया पे आता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ रेंजर के इस ऑपरेशन के बाद सूरत हाल बेहतर हुई है, फिर अकेले, लेकिन बाज दोस्त अकेले का तस्करा करते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, रेंजर का अगर रोल अहम और नुमाया है
جو ان کے نام کی وجہ سے ان کے ادارے کی وجہ سے ہے, تو سندھ پولیس کا ان کے ساتھ جو تعامل ہے یا ان کا جو شرکت ہے, جو رول ہے, اس کو بھی آپ فراموش نہیں کر سکتے. سندھ پولیس نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں, پہلے کے آپریشن میں بھی جانے سب سے زیادہ پولیس کی گئی ہیں, ابھی بھی دیکھیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ رینجر کی شمولیت سے, رینجر کے آنے سے, رینجر کے پولیس کے ساتھ سرگرم ہونے سے حالات بہتر ہوئے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, اور سرگرمیاں بحال ہوئی ہیں, کاروباری رونقیں لوٹی ہیں, اور ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں. چاندنی صاحب, لیکن ہمارا یہ آخری دن پہ سیاست کی ہو رہی ہوتی ہے کہ آج 19 جولائی اختیارات ختم ہو گئے تو ہم پورا پاکستان یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سندھ حکومت نے کیا فیصلہ کرنا ہے. آپ مکمل با اختیار ہیں, رینجرز کو واپس کرنا چاہیں وفاق کو تو واپس کر سکتے ہیں, لیکن فیصلہ تو وقت پہ ہونا چاہیے بجائے کہ 11th hour پہ کرائسس میں فیصلہ کیا جائے. اب ندیم بھائی, آپ کو پتا ہے میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں, لیکن یہ ضد کا جملہ بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے. واپس کرنا ہے تو کر دے, یہ معاملہ آپ کا نہیں ہے, یہ معاملہ میرا نہیں ہے, یہ کراچی کے شہریوں کا معاملہ, یہ سندھ کے امن امان کا معاملہ ہے. ایسے فوری طور پہ تو آپ فتویٰ نہ دیں کہ ایک دن پڑھائے شام تک بھائی ان کو واپس کر. بھائی واپس کرنے کوئی عام فیصلہ ہے, کوئی ادھار لی ہوئی چیز ہے, ایک قانون اور آئین کے تحت ایک ادارہ ہے پاکستان کا, وہ ایک صوبے میں امن امان کے حوالے سے آیا ہے, اس کو رول کرنے دیں گے, ہم ان کو آگے چلائیں گے, ہم مکمل نتائج لیں گے انشاءاللہ آپریشن کے, اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے, آخری دہشت گرد کا خاتمہ کریں گے. لیکن ریاستی معاملات ہیں ان میں, اور سیاسی گورنمنٹ ہے, اس میں کئی باتیں ہوتی ہیں, اونچ نیچ ہوتی ہے, لیکن یہ طے ہے یہ آپریشن جاری و ساری رہے گا. انشاءاللہ رینجر سندھ پولیس کے ساتھ کام کرتی رہے گی, انشاءاللہ سندھ کے چیف منسٹر اس کی کیپٹن ہیں, اب ان کو کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہ ہیں, اور انشاءاللہ آئینی طریقے سے رینجر سندھ میں چلے گی, اور انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. اب جو آپ دیکھ رہے ہیں, جنرل غلام مصطفیٰ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, آپ فرمائیں گے رینجرز آپریشن کراچی میں امن تو بہتر ہوا, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ 22-23 سال سے ہم اس انتظار میں رینجرز لگائی تھی کہ کراچی پولیس انتظام سنبھال لے گی, لیکن وہ دن آتا نہیں ہے, ہم ڈرتے ہیں کہ رینجرز کو نکالا تو کراچی کے حالات پھر نہ خراب ہو جائیں. اب کیا کریں, آج 19 جولائی اختیارات پھر ختم ہو گئے, کیا کرنا چاہیے آج؟ دیکھیے, دو چیزیں تو طے ہیں اس میں کہ جب تک ہماری سیاسی قیادت اس مسئلے کو پوری طریقے سے سمجھ کر پوری ایمانداری سے اس کے پیچھے نہیں جائے, اور ہم ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اسی بحث میں پڑھتے رہیں گے تو معاملات آپ کے کسی طرح نیش نہیں پہنچیں گے. اس میں دو وجہ سے کہہ رہا ہوں, ہمیں یہ اندازہ ہے کہ کراچی کے مسائل کتنے بڑے ہیں, سندھ کے مسائل یا پنجاب کے مسائل کتنے بڑے ہیں, ان کے مطابق ہمیں 1 سال 1.5 سال 2 سال جو بھی ہے بیٹھ کے ہمیں سیاسی قیادت کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ 1.5 سال کرنا پڑے گا. اگر سیاسی قیادت یہ فیصلے کر لیتی تو ساتھ کو یہ فیصلہ بھی کرنا پڑے گا کہ رینجرز کو 1 سال کے بعد ہم نے واپس کر دینا ہے, اس لیے تو رینجرز کی جگہ جو بھی ہماری پولیس ہے اس کو ہم اس طریقے سے استوار کریں کہ یہ ذمہ داری سنبھال لیں. رینجرز وہاں پر موجود ہیں, حکومت کو ایک سہارا ملا ہوا ہے, حکومت اپنے پولیس کو یا باقی اداروں کو. تو جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, وہ کیا چیز ہے جو ہمیں یہ ایک واضح پلان بنانے سے روکتی ہے؟ کلیئر میرے پاس اگر ٹارگیٹ ہو کہ اگلے 365 دنوں میں میں نے رینجرز کو وفاق کو واپس کرنا ہے اور کراچی پولیس کو ٹھیک کرنا ہے, تو میرے پاس ایک ماڈل ہونا چاہیے نا, روڈ میپ ہونا چاہیے. وہ 3 سال سے آپریشن بھی چل رہا ہے, ہم یہ باتیں بھی روز کرتے ہیں, ہوا کچھ نہیں عملی طور پہ, کیوں؟ دیکھیے, یہ جواب تو ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں وہ بہتر دے سکتے ہیں, کیونکہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. جیسے یہ فیصلہ کریں گے رینجرز یا آرمی اس کے مطابق کام کرے گی. اگر ہم آرمی یا رینجرز خود بڑھ کے کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو پھر پورے ملک میں وویلا کھڑا ہو جاتا ہے. ان کو بیٹھ کے ایک دفعہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ایمانداری سے کہ ہم نے دہشت گردی سے, ٹیرر فائنینسنگ سے اسے نجات حاصل کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں 1 سے لے کے 10 اسٹیپ یہ کرنے ہیں اور ہم شروع کر دیں اس کے لیے, ریگارڈ لیس جو بھی اس میں آتا ہے, جو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے کسی کا ذاتی یا کسی پارٹی. جب تک ہم اس لیول پہ نہیں سوچیں گے ملک صاحب, یہ مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوگا. بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, آپ کی طرف آ رہا ہوں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, کیا کرنا چاہیے رینجرز کا سٹے کراچی کے اندر؟ میرا خیال ہے جو بڑی متوازن گفتگو کی ہے چانڈیو صاحب نے, اور مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ معاملہ طے ہو جائے گا پہلے کی طرح, کیونکہ یہ ایک معاملہ ہے جس کے نتائج, اچھے نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ہماری مصیبت یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا بازار گرم رہا ہے, یہ 5-7 سال نہیں رہا, 20-30 سال رہا ہے, اور جو لوگ اس اثنا کے اندر جس طرح کی تنظیمیں پاکستان میں بنی ہیں, ان کے پاس جس طرح کا اسلحہ ہے اور جس طرح کی ٹریننگ ہے, وہ فوج ہی ان سے لڑ سکتی ہے.
इस वजह से इस दहशतगर्दी की कमर तोड़ने तक हमें थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा और अपनी जो फौजी कुवत है उसका बैरूनी ममालिक के दिफा अपने मुल्क के दिफा के लिए बैरूनी ताकतों के ख़िलाफ़ तो हम उसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेंजर्स का हमें जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमें उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे अंदर कारखाने बने हुए हैं दहशतगर्दी के, इनकी कमर तोड़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इतनी देर के बने हुए कारखाने हैं और इतने मुनज़्म कारखाने हैं कि इनकी जब तक रीढ़ की हड्डी तक ज़र्ब नहीं पहुँचेगी तब तक अगर हम आधा ऑपरेशन छोड़ देंगे तो दोबारा से ये ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे और दोबारा से बाज़ार जो है वो गर्म हो जाएगा। तो थोड़ी से तहमुल के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्या नैब के तहत हम कोई वाजे लाइन नहीं, रोड मैप नहीं ड्रॉ कर सकते कि ये हमारे ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये टाइम फ्रेम है, कर सकते हैं? ये हमने किया है और आपने देखा है कि जराइम के अंदर कितनी कमी आई है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान में किस 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 तरह की तंजीमें जो हैं वो कार फरमाएँ, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान की बैरूनी ताकतें जो हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर कार फरमाएँ। तो ये जो हमारे हालात हैं ये बड़े डायनामिक हैं और डायनामिकली इवॉल्व कर रहे हैं। तो हम आपको ये तो बड़ा वाजे हो गया, चाहे आप उसको ज़रब अज़ब के हवाले से देखें, कराची के हवाले से देखें, या पूरे मुल्क के हवाले से देखें, सिर्फ सिंध कराची का मामला नहीं है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप वो तमाम लोग देखें जो 1.25 लाख या 1.5 लाख लोग जो अरेस्ट हुए हैं पूरे मुल्क के अंदर, तो उसकी वजह से मुल्क के अंदर सुकून आया है। पहले 3-3 साल हमें कोशिश करनी पड़ती थी, अब हमारी इंटेलिजेंस जो आज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है, बड़ी खुशी की बात है कि 10-15-20-25 दिनों के अंदर अंदर हमने जो अगवाशुदा, लेकिन जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जिनको मारा गया है वो कहा गया कि अलकायदा और TTP से मुंसलिक थे। जी शाइक उस्मानी साहब, शाइक उस्मानी साहब, कराची में रेंजर्स के इख्तियारात और आज 19 जुलाई है, क्या करना चाहिए, इनको मज़ीद वसत देनी चाहिए या अदलिया के ऊपर भी अभी काफ़ी दिनों से बहस चल रही थी कि जज भी महफूज ना हो, वकला महफूज ना हो, गवाह महफूज ना हो, तो वहाँ क्या किया जाए, या पुलिस के ऊपर हमें ज़्यादा पहले फोकस कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए मेरी नज़र में ये जो रेंजर्स का जो एक्शन था कराची में उसके पॉजिटिव इफेक्ट ज़रूर थे। वो ये थे कि ये जो एक माफिया बना हुआ था सियासी पार्टियों का, जो उन्होंने अपने अपने मिलिटेंट विंग्स बनाए थे और उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे, वो जिस पे कोई हाथ नहीं डालता था क्योंकि वो सियासी लोग थे, तो उनको कंट्रोल करने का तो तरीका ये इससे बेहतर कोई नहीं था कि फौज को इन्वॉल्व किया जाए और रेंजर्स के थ्रू किया जाए, और बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट निकला उसका, क्योंकि ये सब पार्टीज जो हैं वो ज़रा थोड़ी खामोश हो गई और अपने लोगों को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन जो चीज़ कराची का प्रॉब्लम जो है, चूँकि मैं तो कराची में रहता हूँ, कराची का प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स और रॉबरीज वगैरह जो हैं, ये जो क्राइम है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि सिर्फ पुलिस उसको सॉल्व कर सकती है, रेंजर्स के बस की बात वो नहीं है, क्योंकि ना रेंजर्स को वो उनके पास ट्रेनिंग है, ना उनके पास वो रिसोर्सेज हैं कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें, सिर्फ पुलिस कर सकती है। और पुलिस को हमारी जो सिंध की गवर्नमेंट है वो इतना मिसयूज़ करती है, और वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट या उनकी एंट्री पुलिस में होती है वो इतनी सिफारिशी लोग और अपने मकसद से लोगों को भर्ती किया जाता है, और वो फिर जो जब बन जाते हैं पुलिस तो वो ज़्यादातर उनकी अपनी हिफाजत पे लगे रहते हैं, कॉमन आदमी को हिफाजत। तो जैसे शाइक उस्मानी, फिर क्या करना चाहिए हमें? आप कह रहे हैं कि पुलिस को तो बहुत ज़्यादा प्रोटिसाइज हमने कर लिया, रेंजर्स के बस की बात नहीं है, तो फिर क्या करें? आज रेंजर्स के इख्तियारात एक्सटेंड हों या ना हो, ख़त्म कर दिया जाए कि भाई पुलिस को ही ठीक करेंगे, हम देख लेंगे जो भी होगा? देखिए रेंजर्स के अख्तियारात आप एक्सटेंड करें या ना करें, लेकिन जो उनका मकसद था वो पूरा हो चुका है, अब इससे आगे वो कोई रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते। अब तो देखिए यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन ये है, या तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और इस पुलिस को कंट्रोल करे, अगर नहीं करती तो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में, कि कराची में आपको थोड़े अरसे के लिए मार्शल लॉ टाइप की चीज़ लानी पड़ेगी। क्या मतलब आपका माशाल्लाह टाइप की चीज से क्या मुराद है आपकी? ये तो काफी मतलब कान खड़े करने वाली बात कर रहे हैं आप, जैसे शाइक उस्मानी से। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं कि मुल्क में माशाल्लाह आ जाए, मतलब ये कि आप जो कंट्रोल शहर का अगर आप फौज को देते हैं तो वो यकीनन उसको सही कर सकते हैं, और सियासी जमातें उसको सही नहीं कर सकती जब तक के उनके पास ये डिटर्मिनेशन ना हो पुलिस सर्विसेज को चेंज कर सकते। लेकिन मैं इसकी वजाहत और आपसे लूंगा चांडियो साहब से, माजरत के साथ, फौज को किस कानून के तहत, 245 के तहत आप बुला के तो कहें कि पूरा शहर आप संभाल लें? जी वो आप उसके जो कवानी, सॉरी आप मुझसे बात कर रहे हैं, जी शाइक उस्मानी साहब आप ही से पूछ रहा हूँ, किस कानून के तहत?
देखिए उसमें कौन सा कानून इस्तेमाल होगा, किस तरह से इस्तेमाल होगा, वो एक दूसरी बहस है, वो तो सॉल्व किया जाए, लेकिन पहले तो देखना चाहिए कि करना क्या है। हमें चाहिए इस शहर के ऊपर किसी ऐसी फोर्स का टोटल कंट्रोल हो जो कि कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल हो और उसके आगे कोई बात ना कर सके। नाउ ऐसी तो और कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती सिवाय फौज के। आपको याद होगा 1954 में जब वो एंटी अहमदी मूवमेंट शुरू हुई थी तो उन्होंने लाहौर को फौज से के पास के दे दिया था और वो मामला कंट्रोल हो गया था। उसके बाद फिर वापस सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। इसी तरह की कोशिश करनी पड़ेगी आपको एक सिजेरियन ऑपरेशन, अगर जब तक वो नहीं होगा तो कराची के हालात बेहतर नहीं हो सकते। मेरे ख्याल में आपको बराह रास्त चांडियो साहब इस क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहिए। चांडियो साहब मेरे ख्याल में दरमियान में आप हैं लिहाजा बराह रास्त में जा नहीं सकता, और उस्मानी साहब एक बहुत बड़े हमारे लिए मोहतरम शख्सियत है, हकायक से हकायक की बातें भी कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी बातों से या नावाकफ हैं या उन्होंने भी मसरत से काम लिया है। सिंध पुलिस अब पुरानी पुलिस नहीं रही। सिंध पुलिस में इतने नामवर अफसरान हैं, इतने ऑफिसर हैं जिन पर पूरी सिंध फख्र करती है, जो कमाल के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं और नौजवान भी हैं, इक्का दुक्का बुजुर्ग है नहीं तो तकरीबन सब नौजवान हैं और काबिले फख्र अफसर हैं पाकिस्तान के और सिंध के, तो उन पर यकसर तो बेतमादी नहीं की जा सकती। ये पुलिस माजी में तनकीद का निशाना बनती रही है ये इदारा, और इसमें शक भी नहीं है कि उसके रवैये ठीक नहीं थे, लेकिन अब बहुत तब्दील हो गई है, अब अफसरान आला तैलीम याफ्ता आ गए, बहुत बड़ी कमाल के ट्रेनिंग लेकर दुनिया से आए, अब पुलिस पर आप वो तबसरा नहीं कर सकते जो पुराने जमाने किया। सियासी हुकूमत है तो उसका असर तो जरूर नजर आएगा। अब एक इदारे को निकाल कर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या पोलिटिकल गवर्नमेंट से निकाल के आप अलग थलग खड़ा करेंगे तो मेरे ख्याल में ये कोई मुनासिब नहीं है। अलबत्ता आपकी तरह मैं भी हैरान जरूर हुआ हूं कि किसी न किसी शक्ल में इतने बड़े कानूनदान, इतने अदलिया के से वाबस्ता शख्सियत जो हमारे लिए मोहतरम है, उसकी ये ख्वाहिश रखना कि अगर ये फेल हो जाए तो माशाल्लाह कराची में लगे। इंशाअल्लाह ताला कराची में माशाल्लाह नहीं लगेगा इंशाअल्लाह ताला, और सिंध के लोग नहीं चाहेंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, पंजाबी बोल मैं जब आप शाइक उस्मानी साहब की तजवीज़ के ऊपर आप भी रद्दमन देना चाहेंगे? अब आप पहले सुन लीजिए जनाब जी प्लीज जी। देखिए मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि उस्मानी साहब ने सियासत और दहशतगर्दी को मिक्स किया है, इसका कोई ऐसा लिंक नहीं है। उन्होंने ऐसा एक लगा ऐसा उनकी गुफ्तगू से कि शायद सियासत करना जो है वो दहशतगर्दी करना है, और दूसरी उन्होंने बात की कि शायद रेंजर्स जो कुछ कर सकती थी वो कर चुकी है, अब रेंजर्स को वापस चला जाना चाहिए, और साथ ही उसके साथ कहा कि फ़ौज को आ जाना चाहिए। यानी अगर फौज अगर बात की वजाहत हो जाए थोड़ा सा मेरे ख्याल में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि सियासत करना दहशतगर्दी करना है, उनका कहना यह है कि कराची पुलिस को पोलिटिसाइज कर दिया गया और रेंजर्स जो कुछ अचीव कर सकती थी वो अचीव कर चुकी है, तो अगर रेंजर्स यू नीड अ डेफिनेट फोर्स जो आए और रेंजर्स जो है दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, रेंजर इज ये क्लोज टू द मिलिट्री, तो अगर वो समझते हैं कि इसके आगे रेंजर्स जो है वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने जो उनकी बात सुनी उन्होंने ये कहा कि इसके बाद जो काम है वो पुलिस का है, रेंजर्स जो काम कर सकती थी कर चुकी है, अगर उन्होंने ये कहा है तो फिर फौज आकर और क्या करेगी। और इससे पहले अगर 10-10 साल के लिए कराची के अंदर फौज आई है, 2-3 मरतबा आई है, पूरे मुल्क के अंदर आई है, तो उसके क्या नतीजे सामने आए हैं? क्या ये तमाम जो इस वक्त अड्डे हैं ये ख़त्म हो गए और बिल्कुल सुकून हो गया था? क्या वो लोग जिनको पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं रॉ के एजेंट और ये और वो, क्या उन अदवार में वापस नहीं आए हैं? तो इस वजह से बड़ी बड़ी वजाहत के साथ मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने बात की है बोल्ड बात की है, जहाँ तक इस ताल्लुक है इस बात से कि हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ी स्पेशल सर्कमस्टांस है और उसके लिए हमें रेंजर्स को इस्तेमाल करना चाहिए, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, लेकिन जो उन्होंने अगली बात की है वो तो जमहूरियत की पूरी बसात उलटाने वाली बात है, और वो मेरे ख्याल में एहतियात करनी चाहिए ऐसी गुफ्तगू से। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जस्टिस शायक उस्मानी साहब, मौला बख्श चांडियो साहब, इसके अलावा हमारे साथ हैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, आसिफ हुसनैन साहब और रजा हारून साहब, सबका शुक्रिया आज के लिए, इतना ही इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।